नाजरीन डॉक्टर मोहम्मद समी अख्तर और वुमेन हेल्थ टी वी की तरफ से आपको दोबारा खुश आमदीद जैसे कि आपको मालूम है कि एक आलमी वबा फैली हुई है उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और कुछ देर हम आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सके आपसे ये प्रोग्राम दूर हो गया कुछ दिनों के लिए आज के बाद हम रेगुलरली आपके लिए एपिसोड्स लेके आएंगे और जहाँ तक हमारी पिछली वीडियोस ने आपको मालूम दी थी हम उससे आगे चलेंगे इस वक्त और इस मौके पर मैं समझता हूँ कि एक ही मौजू है जिस पर बात करनी चाहिए और वो है कोरोना, जिसको कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन भी कहा जाता है ये एक आलमी वबा है और ये वायरस की वजह से है वायरस एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो आँख को नज़र भी नहीं आता इन बैक्टीरिया यानी जरासिम से भी छोटा होता है वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स और बाज़ात जानवरों से इंसान में मुंतकिल तरीके से होते हैं जैसे हेपेटाइटिस है बी का वायरस ब्लड के जरिए मुंतकिल होता है एड्स या एच आई वी का वायरस मर्द और 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 औरत के जिसमानी मिलाप के ज़रिए मुंतकिल होता है कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली फेफड़ों पर असर करता है और ये उस वक्त जब वो शख्स जिसमें ये वायरस हो खांसे या छींके उस वक्त छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में ये दूसरे शख़्स की नाक कान या आँखों के ज़रिए जिसम में दाखिल हो जाता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं यानी उनमें कोरोना वायरस है लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता होता वो बिल्कुल ठीक होते हैं ऐसे लोगों से बचाव बहुत ज़रूरी है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही मामूली किस्म की खांसी या नज़ला है वो लोग भी कोरोना के मरीज़ हो सकते हैं और जो कोरोना के बहुत सीरियस मरीज़ होते हैं वो तो हॉस्पिटल में होते हैं सो इस कोरोना ने पूरे मामलात ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दिया है दुनिया की इकानमीज़ और माशियात बैठ गई हैं मुल्कों को समझ नहीं आ रही कि इस इन्फेक्शन के बाद आगे ज़िंदगी क्या और किस तरह की होगी मेरा आज का मौजूद ये है कि इस कोरोना का हमल पे क्या असर है मैं आपको चंद अहम पॉइंट बताऊंगा। जिसमें पहली बात ये है कि जो हमला खातान हैं उनका अगर मुकाबला उन खातान से की जाए जो हमला नहीं है तो हमला खातन में कोरोना होने का चांस बिल्कुल इक्वल है ज़्यादा नहीं है और मेजॉर्टी खातान में ये अगर हो भी जाए तो सिर्फ बहुत मामूली सी खांसी नज़ला थोड़ा सा बुखार जो दो तो तीन दिन में ठीक हो जाता है ये उस फॉर्म में होता है और अगर आपको ये महसूस हो कि आपको ये इलामात हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि घर में अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लें और सात दिन के लिए इंतज़ार करें ये नज़ला नजल ठीक हो जाएगा और आपको कोई कोरोना का टेस्ट या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इन सात दिनों में अगर ये इलामात बल्कि सीरियस हो जाती हैं बुखार हो जाता है जो बहुत तेज़ हो खांसी ठीक नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है और पेट ख़राब हो जाता है और इलामात जिसमें कमज़ोरी और जिसम का दर्द भी शामिल है वो होती हैं और आप घबरा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से फ़ौर रिज्यू कर लीजिए तो इस तरह की सूरत में आपको कोरोना के टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है बरतानिया में रॉयल कॉलेज ऑफ ऑक्स्टिट्यूशन एंड गानाकोलॉजिस्ट जो ख़ुन की सेहत के मामलों को देखता है उन्होंने एक बहुत अच्छा सर्वे किया है और जितनी भी खातान कोरोना के इलामात के साथ बरतानिया में आई हैं वो तकरीबन टोटल चार सौ सताईस थी उनको स्टडी करके उन्होंने ग्यारह मई को एक रिपोर्ट शायद की है उसके मुताबिक मेजॉरिटी खान ठीक होकर सिंपल वार्ड में रह के घर चली गई और सिर्फ दस में से एक खातून ऐसी थी जिसको आईसीयू जाना पड़ा बदकिसमती से और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि चार सौ सत्ताईस खातान में पाँच खातन की डेथ भी हुई सो मेरा कहने का जनरल मतलब ये है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अपनी हिफाजत भी कीजिए बात ख़वातन की क़त मदाफत हमल में कुछ कम हो जाती है और ख़ास तौर पे अगर उनको दमा या शुगर डायबिटीज़ जैसे अमराज हों तो उनको अपने आप को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है अब हम यहाँ आते हैं कि क्या करोना वायरस की वजह से हमल ज़ाया होने का चांस ज़्यादा है नहीं ऐसा कोई नहीं है क्या करोना वायरस की वजह से बच्चे में कुछ अब नॉर्मलिटीज़ या नुस्ख़ आ जाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ चीन से आने वाली चंद रिपोर्टों में ये देखा गया है कि वो ख़्वात जिनको शदीद किस्म का कोरोना वायरस हो वो लेबर में चली जाती हैं यानी वक्त से पहले उनका बच्चा डिलीवर हो जाता है एक और अहम सवाल जो आपके जहन में आएगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना होता है तो क्या वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगा मेरा ख़्याल है कि नहीं अभी तक जो भी स्टडी आई हैं उन्होंने यही जाहिर किया है कि ये माँ से बचे में नहीं जाता लेकिन कुछ केसेस ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं जिसकी बेस पे शायद ऐसा होता हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई कॉमन या आम बात नहीं है मैं एक बात बताता चलूँ कि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बच सकते हैं इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और हमला खातन को इस्पेली अपनी हिफाज़त करनी चाहिए आप क्या कर सकती हैं एक तो जब भी घर से बाहर जाएं किसी बहुत ही शदुई ज़रूरत के लिए जाएं। अदरवाइज़ घर से बाहर निकलना बिल्कुल समझें कि ज़रूरी नहीं है जब भी बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने ये मास्क है ये मास्क है बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं और इस मास्क का इस्तेमाल हमेशा आपको करना चाहिए जब भी आप बाहर जाएं हजूम वाली जगह से बचें दुकानों पे जाके ऐसे ही विंडो शॉपिंग करना या ऐसी दुकानों पे जहाँ रश हो वो आपको ज़्यादा कोरोना की इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट कर सकता है तो निकले ना बाहर निकलें तो मास्क पहन के जाएं और बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां हजूम हो अगर आप काम करती हैं तो कोशिश करें कि घर से काम करें और अगर आपको काम पे जाना ही पड़ता है तो जो डिस्टेंस रखना है सोशल एक दूसरे से मास्क पहनना है उन सब चीज़ों का ख्याल रखें घर आते ही अपने हाथ धोएं सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और अपने जो कपड़े बाहर से पहन के आए हैं उनको तब्दील कर लें बार बार दिन में जितनी दफ़ा हो सके साबुन से 20 सेकंड तक के लिए हाथ धोएं और ये वायरस मर जाता है आइए हम सब इन चीज़ों को फॉलो करें मिलाप और हजूम अननेसेसरी बाहर विजिट्स, शॉपिंग्स सब चीज़ों को बंद कर दें और कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनें सोशल डिस्टेंस रखें इस तरह आप अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकती हैं ना सिर्फ आप ये हिदायत फॉलो करें बल्कि कोशिश करें कि आपके घर वाले बच्चों को तो स्पेशली बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ख़ास के मर्द जो हैं उन्हें भी जाना है तो ऐसे प्लान करके जाएं कि एक दफ़ा में सब काम कर आए आइए सब मिलके हम इस बीमारी को शिकस्तें हम कर सकते हैं सिर्फ हमें थोड़े से डिसिप्लिन की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है हम एक ऐसे हजूम के तौर पे ना बिहेव करें जिसमें कोई भी कानून की पासदारी ना हो और हम किसी चीज़ को अहमियत ही ना दें मैं दुआ करता हूँ कि आप, आपका ख़ानदान सब सेहतमंद रहें और अपने आप को महफूज रखें और घर पे रहें खुदाफिज